Good morning, all dear students. I am Harshad Vishwakarma, and today I will discuss the third chapter of the book, First Flight. Book name is First Flight, Grade 10 CBSE. CBSE NCERT book. Okay, students, ये जो chapter है two stories about flying. इस two stories about flying में जो students आप लोगों को मैं आज explain करूँगा वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, वो मैं पार्ट फर्स्ट एक्सप्लेन करूंगा. जो पार्ट फर्स्ट में आप लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये जो स्टोरी है जो रिटन राइट की हुई है लियो वो फ्लहर्टी के द्वारा राइट की हुई है. तो स्टूडेंट्स, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, एक्सप्लेनेशन बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू बता देता हूँ कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड हैं और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिससे कि ह्यूमन बीइंग अपनी लाइफ को आगे प्रोसीड करने में हेल्प ले सकता है स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा आप लोग एटलीस्ट अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स को इसको शेयर कर दीजिए जिससे कि वो स्टूडेंट्स भी इस वीडियो लेक्चर को देख सकें. तो स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट फ्लाइट है एक सीगल है. क्या है स्टूडेंट? एक सीगल है. ये जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है ये एक सीगल है और ये जब छोटा बच्चा होता है, जैसे कि हम लोग जब छोटे होते हैं तो हमें चलना नहीं आता है, हमें चलना नहीं आता है, उसी पे बेस्ड लियोमो फ्लहर्टी ने एक स्टोरी राइट की है. तो थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको लियोमो फ्लहर्टी के बारे में बता देता हूँ. लियोमो फ्लहर्टी कौन थे, इन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या किया और किन सब चीज़ों के लिए इनको थोड़ा सा कोई ना कोई प्राइज दिया गया. तो सबसे पहले मैं इनकी जन्म बॉर्न की बात करता हूँ. तो इनका जो बॉर्न हुआ था 28 अगस्त, ट्वेंटी एट अगस्त 1896 में इनका बॉर्न हुआ था. और इनकी अगर मैं मर्सरी की बात करूं तो 7 सितंबर 1984 को इनकी डेथ हुई थी स्टूडेंट्स. तो काफ़ी लंबा टाइम पीरियड इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर को दिया हुआ है. तो स्टूडेंट, इन्होंने जो अपनी लाइफ में एक शॉर्ट स्टोरी राइटर के टाइप से काम किया हुआ, जो शॉर्ट स्टोरी राइटर होते हैं इस टाइप से बहुत काम किया हुआ शॉर्ट स्टोरी राइटर में. और इनकी एक नोवेल थी, जो फर्स्ट नोवेल थी इनकी, द नेवर्स वाइफ इनकी फर्स्ट नोवेल थी. और इसी नोवेल के लिए इन्हें बेस्ट राइटिंग का प्राइज भी मिला था. और इनकी जो राइटिंग्स थी उनमें से ये सबसे अच्छी राइटिंग भी थी. और इन्हें, ये आयरिश थे और इसके साथ साथ इन्हें फ्रेंच और रशियन कल्चर में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट था. तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन को. तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, इसमें एक सीगल है. क्या है स्टूडेंट? एक सीगल है और वो जब भी कुछ करना चाहता है, तो जैसे सपोज हम लोग छोटे बच्चे होते हैं तो अपनी लाइफ में जब हम कुछ आगे करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम्स भी आती हैं कई बार, और या फिर हम अपनी लाइफ में कोई चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पाते हैं. तो वैसे ही सपोज़ छोटे बच्चे होते हैं जब हम, और हम चलने की कोशिश करते हैं, क्या करते हैं? चलने की कोशिश करते हैं. जब हम चलने की कोशिश करते हैं तो स्टार्टिंग में जब 1 ईयर का बेबी होता है कोई भी, जैसे जनरल हम अपनी ही बात कर लें या फिर किसी बेबी की बात कर लें, जब लिटिल बेबी होता है तो वो जब चलने की कोशिश करता है तो हम लोग क्या करते हैं कि या तो उसको हम किसी न किसी ट्रॉली के थ्रू, या फिर कोई ना कोई उसके लिए ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि उस बच्चे को हम चलाने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले या तो उसके लिए थोड़ी सी जो गाड़ी आती है उसको दे देते हैं, उसी की हेल्प से वो चलता रहता है, रोलिंग करते हुए चलता है. तो कई बार आपने देखा होगा कि आप छोटे बच्चों को चलाने के लिए क्या करते हैं, हाथ उसकी ओर फैलाते हैं, और हाथ फैलाते ही आप जैसे ही वो खड़ा होता है और आपकी ओर आने की कोशिश करता है आप उसको छोड़ देते हैं, ऐसा ही होता है. और कई बार वो गिर भी जाता है, नीचे जाता है या थोड़ा बहुत झुक जाता है और वो फिर से थोड़ा सा संभल जाता है और आगे चलने लगता है. तो कई बार ऐसा भी होता है स्टूडेंट, तो धीरे धीरे वो चलना सीख जाता है. तो यही वो स्टोरी है जिसमें सीगल जब छोटा होता है तो उसके जो वो देखता है कि उसके जो भाई और बहन थे, जो यंगर सॉरी एल्डर जो ब्रदर और सिस्टर थे, वो बस एक दिन पहले ही वहाँ पर जो पर्टिकुलर प्लेस था वहाँ पर वो एक रिंक पर बैठकर देख रहा था कि वहाँ से वो लोग पहले ही उड़कर जा चुके हैं, बट वो अभी उड़ नहीं पा रहा है.
और वहाँ पे जो सी है, सी में उसके पेरेंट्स जो हैं, मदर फादर और जो ब्रदर और सिस्टर्स हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे कि उसके अंदर क्यूरियोसिटी क्या हो, क्यूरियोसिटी हो। तो जब उसके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ रही है तो वो भी उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे डर लग रहा है इस बात का कि वो उड़ नहीं पाएगा। जब उसको डर लग रहा है उड़ नहीं पाएगा, तो आपको लगता है कि अगर आपके अंदर डर बैठा रहेगा तो क्या आप किसी भी काम को सक्सेस कर पाओगे स्टूडेंट्स, कर पाओगे, नहीं कर पाओगे स्टूडेंट्स। तो धीरे धीरे क्या होता है कि अब उसको दो दिन उसने कुछ खाया भी नहीं था, उसको भूख भी लगती है, तो उसकी मदर जो होती है वो उसकी हेल्प करती है, और उसी टाइम में उसका जो फैमिली मेम्बर है, उनके फैमिली मेम्बर में उसका जो ओल्डर ब्रदर है वो क्या करता है, एक हेरिंग फिश है, क्या है, हेरिंग एक फिश की स्पेसीज है, वो जाता है और पानी में से जैसे ही वो जंप करती है हेरिंग फिश, वो उसको पकड़ लेता है और वो डाइव लगाते हुए उसको पकड़ता है। तो जैसे ही वो उसको देखता है तो उसको थोड़ा सा क्यूरियोसिटी होती है, अरे मेरे भाई ने इसको उठा लिया है तो मुझे भी उठाना चाहिए। तो धीरे धीरे उसकी जो क्यूरियोसिटी, उसके मन में जो क्यूरियोसिटी है वो बढ़ जाती है। तो जब उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है स्टूडेंट्स, तो वो करता क्या है, वो उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे डर लगता है कि वो नहीं उड़ पाएगा। जैसे ही हम लोग, क्या होता है, हम लोग बहुत बड़ा कोई ड्रीम देखते हैं, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, बट कई बार क्या हो जाता है, हम उसको नहीं पूरा कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, या तो कोई हमें पर्सन करेज नहीं देता है, क्या है, इनकरेज नहीं करता है। जब कोई इनकरेज नहीं करता तो प्रॉब्लम हो जाए, या तो कोई हमें डिस्करेज कर दे तो नहीं कर पाते, चीज़ें सेम है। तो वहाँ पर अब उसकी मदर क्या कर रही है, मदर क्या करती है, अपनी बीक में, अपनी बीक में एक फिश को दबाती है और उड़कर उसकी ओर लाती है, उड़कर उसकी ओर लाती है। जैसे ही वो उड़कर उसकी ओर ला रही होती है, वैसे ही, जैसे ही उसके पास, बिल्कुल पास आने को होती है, और वैसे ही वो अचानक से रुक जाती है। कौन, उसकी जो मदर है, वो जैसे ही उसके पास आती है और वो तुरंत वहीं उसी के सामने रुक जाती है। अब अचानक से वो क्या सोचता, अरे ये तो मुझे मिलने वाले थे, लेकिन अब वो भूख तो बहुत ज़्यादा लगी थी, तो जैसे इतनी डिस्टेंस पे था कि अगर वो चाहता तो उसको खाने की कोशिश कर सकता था, तो उसने जैसे ही उसको खाने की कोशिश की, तो जैसे ही उसने उसे खाने की कोशिश की, जैसे ही सपोज आपके हाथ में कोई, अब देखो डॉग होता है, आप उसको रोटी खिलाते हो थोड़ा खींच ले तो अपनी वो फिर आपकी ओर खींचता है। इसी तरीके से कई बार आप छोटे बच्चों को भी कुछ खाने के लिए देते हो, तो जब आप खाने के लिए देते हो तो वो खाने के लिए आपकी ओर आ गई, वो खींचा चला आता है, आपके साइड आता जाता है। तो वैसे ही, जैसे ही जो फिश थी उसकी मदर उसके पास ले जाती है, जैसे ही वो फिश उसके पास ले जाती है तो वैसे ही वो उसको खाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके पास तक नहीं ले जाती है, पहले ही रुक जाती है। तो स्टूडेंट समझ में आया स्टोरी अभी तक क्या होता है इसमें। तो जैसे ही वो ले जाती है और रुकने के बाद, अब तो उसको भूख बहुत तेज, जैसे कि आपके सामने खाना रखा और आप खाना पाओ तो भूख लगता है ना, और ज़्यादा बढ़ जाती। तो सेम उसी टाइप से क्या होता है कि वो अब अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता और वो जंप करके उसको खाने की कोशिश करता है। किसको कोशिश करता है, उस फिश को। तो नेक्स्ट मोमेंट में क्या होता है, पहले वहां पर जो जगह थी, नीचे खाली जगह थी, वहां पर एकदम से वो नीचे की ओर गिर गया। अब अचानक उसको एक अजीब सा डर लगा, उसका हार्ट बिल्कुल से रुक गया, आवाज आना बंद हो गई। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जो एयर थी उसकी चेस्ट में टच कर रही थी, वो अपनी मदर की बीक में उस फूड के पीस को देखती है, किसके फूड के पीस को देखती है और उसको खाने की कोशिश करती है, तो वो वहाँ से नीचे की ओर गिर जाती। और जब वो नीचे की ओर गिरती है तो पता है क्या होता है स्टूडेंट्स, वो फिर गिरती नहीं है, वो क्या है, वो फिर गिरती नहीं है, याद रखिएगा। अब वो जैसे सीगल नीचे नहीं गिरा तो अब उसने क्या किया, उड़ना सीख लिया, उसकी जो एयर वहाँ पे थी वो टच कर रही थी उसकी चेस्ट को, और धीरे धीरे वो जो एक्सपेंस था सी का, वहाँ तक वो उड़ता चला जा रहा था। तो इस टाइप से उसने धीरे धीरे क्या किया, वो जो सीगल थी उसके आगे से निकल जाती है, और अपने फैमिली मेंबर्स थे, अपनी सिस्टर थी, और उनकी ओर बहुत ही तेज डाइव करते हुए या फिर झुक कर जाते हुए या किसी भी टाइप से वो वहाँ पर जाती है। और वो अब इस बात को
पूरी तरह से भूल गया कि उसे पहले कभी उड़ना भी नहीं आता था। तो स्टूडेंट्स, ये जो स्टोरी है कैसी लगी आपको, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर मुझे ये स्टोरी अच्छी लगी। नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे उन लेक्चर्स में मैं स्टूडेंट्स अब आप लोगों को इसके पैराग्राफ वाइज एक्सप्लेन कर दूंगा। स्टूडेंट ओके स्टूडेंट्स, लेक्चर कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।